हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की मोस्ट एक्सक्लूसिव ट्रेन के बारे में, यानी कि जिसका सबको बेसब्री से एकदम इंतज़ार है, यानी कि अपनी वंदे साधारण एक्सप्रेस, जिसको कि अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जा रहा है। वैसे बता दें, पिछले वीडियो हम लोग बात किए थे कि अपनी जो अमृत भारत ट्रेन है उसकी टिकट की बुकिंग 28 से शुरू होगी, लेकिन कुछ कारण की वजह से 28 को शुरू नहीं हो पाई। तो आप लोग को बोले थे कि एक ऑफिशियल लेटर आएगा तो फिर आपको बताएंगे एक ट्रेन की बुकिंग कब शुरू होगी और रूट क्या होने वाला है ट्रेन का। तो आपको बता दें, तो भाई ऑफिशियल एकदम नोटिस आ चुका है हर जगह से, यानी कि ECR से, स्टेट सेंट्रल रेलवे से, DRM समस्तीपुर से, इस ट्रेन की पूरी डिटेल आ चुकी है, ट्रेन नंबर भी आ चुकी है, टाइमिंग्स क्या होने वाली हैं, कौन कौन से स्टॉपेज पर रुकने वाली है, रेक कंपोजिशन क्या होने वाला है, कितने कोच लगे हुए हैं, मतलब सारी चीज़ें A to Z दरभंगा से लेके आनंद विहार तक इस ट्रेन की लिस्ट आ चुकी है। आपको तो पता ही होगा कल के डेट में, यानी कि 30 दिसंबर 2023 को अपनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं अयोध्या से, दो जिसमें कि पहली एक होने वाली है अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत और दूसरी अपनी ये अमृत भारत, जो कि अयोध्या से इनॉग्रेशन होके दरभंगा के लिए चलेगी। फिर उसके बाद ये ट्रेन 1 तारीख से, यानी कि 1 जनवरी 2024 से अपने नियमित टाइम टेबल के हिसाब से चलेगी। तो जी चलिए अब कर लेते हैं इस ट्रेन की ट्रेन टाइमिंग एंड स्टॉपेज की बात। तो सबसे पहले आप ये नोटिस देख लीजिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि हाजीपुर की तरफ से आया हुआ है, 28 दिसंबर 2023 को इस ट्रेन का पूरा टाइम टेबल आ चुका है। इस ट्रेन की ट्रेन नंबर की बात कर ली जाए तो इस ट्रेन का दरभंगा से लेकर आनंद विहार तक ट्रेन नंबर होने वाला है 15557, यानी कि 15557। और अगर डाउन की बात की जाए उधर से आनंद विहार से दरभंगा, तो इस ट्रेन का नंबर होने वाला है 15558, यानी कि 15558। और बता दें तो ये ट्रेन बाई वीकली ट्रेन रहेगी, हफ्ते में 7 दिन नहीं चलेगी। अगर डेज ऑफ रन की बात की जाए, यानी कि किस दिन चलेगी, तो ये ट्रेन दरभंगा से 2 दिन चलेगी, मंडे को और थर्सडे को, यानी कि सोमवार और गुरुवार को। अगर वहीं आनंद विहार से बात की जाए, आनंद विहार टर्मिनल से, तो वहाँ से भी 2 दिन ये ट्रेन चलेगी, ट्यूसडे एंड फ्राइडे को, यानी कि मंगलवार और शुक्रवार को। और बता दें तो अगर इसका रेक कंपोजिशन की हम लोग बात करें, तो आपको तो पहले ही पता है भाई, मतलब थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी की इसको ट्रेन बनाई गई है अमृत भारत एक्सप्रेस को, क्योंकि इसमें भाई लगे हुए हैं पुश पुल लोकोमोटिव, यानी कि V5 लोकोमोटिव आगे भी लगा हुआ है, V5 पीछे भी लगा हुआ है। बाकी अगर कोच की इस ट्रेन की बात की जाए ना, तो इसमें पूरे कोच लगे हुए हैं 24, यानी कि 12 कोच लगे हुए हैं आपके स्लीपर के, और 8 लगे हुए हैं आपके जनरल क्लास, और उसके बाद 2 लगे हुए हैं आपके SLRD और 2 लोकोमोटिव। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना, कि जो इस ट्रेन का इंटीरियर है ना, वो काफ़ी लाजवाब है, सीट्स ना काफ़ी अच्छी हैं, आपको बिल्कुल 3rd AC इकोनॉमी जैसा कलर कॉम्बिनेशन इसके सीट का देखने को मिलेगा, चाहे वो स्लीपर हो या फिर जनरल क्लास हो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रेन नंबर 15557 दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस के टाइमिंग्स के बारे में। तो आपको तो बताए थे कि ये ट्रेन 2 दिन चलेगी, यानी कि मंडे थर्सडे को दरभंगा से। अगर दरभंगा से बता दें इसकी टाइमिंग की बात, तो दरभंगा से ये दोपहर के 3 बजे निकलेगी। उसके बाद इस ट्रेन का फर्स्ट हॉल्ट आने वाला है कमतौल रेलवे स्टेशन, जो कि ट्रेन पहुँचेगी वहाँ 3:21 पर, वहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। उसके बाद यह ट्रेन पहुंचेगी जनकपुर रेलवे स्टेशन 3:45 पे, वहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट हॉल्ट होने वाला है। उसके बाद यह ट्रेन पहुंचेगी सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन शाम के 4:25 पे, जहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचेगी बैरगनिया रेलवे स्टेशन शाम के 4:57 पे, वहाँ 2 मिनट का हॉल्ट रहेगा। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचेगी रक्सौल जंक्शन शाम के 6:25 पे, जहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचेगी नरकटियागंज रेलवे स्टेशन शाम के 7:25 पे, जहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचेगी बघा रेलवे स्टेशन रात के 8:30, वहाँ 2 मिनट का हॉल्ट। फिर उसके बाद ट्रेन पहुंचेगी कप्तानगंज रात के 10:00, वहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट रहेगा। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचेगी गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन रात के 11:10 पे, जहाँ इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचेगी रात में लगभग 12:30 बस्ती रेलवे स्टेशन,
जहाँ इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। फिर ये ट्रेन पहुँचेगी मनकापुर रेलवे स्टेशन रात के 1:30 बजे, वहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। उसके बाद ये ट्रेन पहुँचेगी आपकी अयोध्या, यानी कि जो अयोध्या श्री राम की नगरी, रात के 2:30 बजे, 2:30 मिनट में वहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। इसके बाद ये ट्रेन अयोध्या से निकलने के बाद लखनऊ पहुँचेगी सुबह के 5:05 पर, जहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। उसके बाद ये ट्रेन बता दे तो बरेली मुरादाबाद वाले रूट से नहीं जाएगी, ये ट्रेन लखनऊ से कानपुर के तरफ से जाएगी, यानी कि सुबह के फिर 7 बजे ये ट्रेन पहुंच जाएगी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जहां इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। उसके बाद इस ट्रेन पहुंचेगी इटावा रेलवे स्टेशन सुबह 8:25 पर, वहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होगा। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचेगी सुबह के 9:35 पर टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचेगी लास्ट एंड फाइनल स्टॉपेज अलीगढ़ जंक्शन सुबह के 10:35 पर, जहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। फिर उसके बाद ये ट्रेन पहुंच जाएगी अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली दोपहर के 12:30 बजे। तो दोस्तों ये थी ट्रेन नंबर 1557 दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस की टाइमिंग्स दरभंगा से लेके आनंद विहार तक। तो दोस्तों बता दे तो ये अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस 21:35 में दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल की दूरी तय करेगी। अगर वहीं बता दे तो ये ट्रेन दरभंगा से अयोध्या के लिए 11:30 घंटा में पहुंचेगी। तो आप समझ सकते हैं भाई, दरभंगा से आप अयोध्या आके दर्शन कर सकते हैं राम मंदिर की, जिसका कि उद्घाटन होने वाला है अभी कुछ दिनों में, यानी कि 22 जनवरी को। और इस ट्रेन का आपको बता दिए कि ये ट्रेन 1 जनवरी 2024 से चलने जा रही है, यानी कि आप समझ रहे हैं ना बिहार वासियों को कितनी बड़ी नए साल में तोहफा दी जा रही है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस से। इंडिया की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस अपने बिहार से चलने जा रही है, वो भी नए साल में भगवा कलर की अपनी अमृत भारत है, आपको भी पता है। तो इसकी टिकट भी कुछ दिन में ही शुरू हो जाएगी, आज डेट 29 है, 30-31 तक शुरू हो जानी चाहिए इस ट्रेन की टिकट। और इसमें जनरल क्लास भी रहेंगे, उसका नहीं पता है अभी कि उसमें अनरिजर्व्ड टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं या फिर उसका भी बुकिंग होगा। अब टिकट IRCTC पे जब खुलेगा तभी पता चलेगा कि इस ट्रेन में कैसे बुकिंग होती है और फेयर क्या है। अगर फेयर का बता दें हम ना, तो इसका अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 850-850 के नियर अबाउट इस ट्रेन का फेयर स्लीपर क्लास का बताया जा रहा है। और अगर दोस्तों ट्रेन नंबर 15558 यानी कि आनंद विहार से दरभंगा को जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस की टाइमिंग के बारे में बात कर लीजिए ना, तो ये भी उधर से भी ये ट्रेन 2 दिन ही चलेगी, यानी कि ट्यूसडे को और फ्राइडे को। तो अगर उधर से इस ट्रेन की टाइमिंग की बात की जाए ना, तो ये ट्रेन उधर से चलने वाली है आपकी आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से 2:10 पे। फिर उसके बाद इसका पहला स्टॉपेज आएगा अलीगढ़ जंक्शन, जहाँ ये ट्रेन पहुँचेगी शाम के 4:40, वहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होगा। फिर ये ट्रेन पहुँचेगी टुंडला जंक्शन, फिर ये ट्रेन पहुँचेगी इटावा जंक्शन, फिर ये ट्रेन पहुँचेगी कानपुर सेंट्रल, जहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और ये ट्रेन वहाँ पर रात के 8:10 पर पहुँचेगी। उसके बाद ये ट्रेन पहुँचेगी लखनऊ रेलवे स्टेशन रात के 10:10 पर, जहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचेगी रात में 1:10 पर अयोध्या रेलवे स्टेशन, जहां इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचेगी मनकापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन 1:50 पर, जहां इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचेगी बस्ती रेलवे स्टेशन 2:56 पर रात में, जहां इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। फिर सुबह में 4:25 पर ये ट्रेन पहुंचेगी गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जहां इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट होगा। फिर ये ट्रेन पहुंचेगी सुबह 5:18 पर कप्तानगंज, जहां इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होगा। फिर ये ट्रेन पहुंचेगी बगहा रेलवे स्टेशन, जहां इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होगा। फिर सुबह के 7:15 पर ये ट्रेन पहुंचेगी नरकटियागंज जंक्शन, जहां इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होगा। फिर ये ट्रेन पहुंचेगी सुबह 8:05 पर रक्सौल रेलवे स्टेशन, जहां इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होगा। फिर ये ट्रेन पहुंचेगी सुबह 9:45 पर सीतामढ़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचेगी जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन 10:13 पर, जहां इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होगा। उसके बाद लास्ट हॉल्ट पहुंचेगी ये ट्रेन अपनी कमतौल, जहां इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। फिर ये ट्रेन अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच जाएगी दरभंगा रेलवे स्टेशन सुबह के 11:50 पर। तो दोस्तों यही थी इस ट्रेन की सारी जानकारी ए से लेकर जेड तक। तो अब टिकट बुकिंग शुरू होती है, तो आप लोग अपना टिकट करिए और दरभंगा से अयोध्या जाइए, लखनऊ जाइए, कानपुर जाइए, आनंद विहार जाइए नई मॉडर्न ट्रेन यानी कि अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए धमाकेदार ब्लॉग में। और हाँ, 30 तारीख की इनॉग्रेशन में हम भी जा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं वंदे भारत में, यानी कि अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत में। अमृत भारत तो नहीं कर पा रहे हैं, बट 1 तारीख को दरभंगा से अमृत भारत की जर्नी करेंगे, यानी कि फर्स्ट कॉमर्शियल रन आप लोग के लिए। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए धमाकेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।